बताओ, कितनी क्यूट लग रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम जो है मॉर्निंग का हो रहा है यहाँ पे। अभी थोड़ा सा जो फैन वगैरह है वो क्लीन कर रही हूँ मैं, तो एक मम्मी के रूम का है और एक मेरे रूम का है, दोनों ही फ़ैन आज क्लीन करने हैं क्योंकि दोनों ही बहुत गंदे हो रहे हैं। मम्मी का तो एक्चुअली क्या है ना कि ये चॉकलेटी कलर है, ब्राउन कलर है, तो इसमें जैसे डस्ट बहुत भी रहेगा ना, दिखता है अगर हम बहुत गौर से देखेंगे तो दिखता है। तो इसमें इतना डस्ट था, मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि इतना ध्यान इस पे जाता नहीं है क्योंकि गौर से कभी देखते नहीं हम लोग, बहुत कम ही होता है जब साफ़ करना होता है तभी। तो ये बहुत गंदा था। और मेरे रूम का जो फ़ैन है वो बिल्कुल वाइट कलर का है, इसमें डस्ट इतनी जल्दी दिखता है कि थोड़ा सा भी होता है तो बहुत ज़्यादा से ही लगता है। तो बहुत ज़्यादा से यहाँ पर आप देख रहे हो कैसे पंखा बिल्कुल काला हो रखा है। तो अभी जो ड्राइंग रूम के हैं वो भी क्लीन करने हैं, लेकिन वो इसके नेक्स्ट डे हमने क्लीन करे थे क्योंकि इस टाइम पे ना मॉर्निंग का टाइम है। और अगर मतलब जैसे हमारा वैसे क्लीनिंग सारी हो चुकी है, झाड़ू पोछा वगैरह डस्टिंग सब हो चुकी है, तो ये वैसे तो करना था कि सुबह ही झाड़ू पोछे से पहले, लेकिन फिर ध्यान से उतर गया था तो इसलिए मैंने कहा चलो अब मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं। तो जो मम्मी के कमरे में करा है वहाँ पर तो मैंने मैट्रेस वगैरह हटा के तब क्लीन करा था, अपने रूम पर मैंने आराम से करा था ताकि नीचे ना गिरे। फिर भी मेरी जो बेडशीट है ना उसको मैंने एक बार झाड़ दिया था अच्छे से, तो फिर इस तरीके से कर दिया था। इसके बाद फिर जो ड्राइंग रूम के जो फैंस हैं वो अगले दिन करा था, क्योंकि अभी फिर ना ज़्यादा टाइम हो जाता है और फिर ऐसा नहीं है कि यही काम है, दूसरे भी अपने काम होते हैं, तो इस वजह से ये नहीं करा था क्योंकि अभी मैं नहाई भी नहीं थी। तो इसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, उससे पहले मैंने कहा चलो अब फैन अब हाथ लग गए हैं तो दोनों कमरे के मैं कर ही देती हूँ क्योंकि दोनों ही बहुत गंदे हो रहे थे। मतलब हम लोग बोलते हैं कि हमारे जो रूम है वो थोड़ा बैक साइड में है तो इतना धूल मिट्टी नहीं आती, लेकिन फिर भी पंखों से पता चलता है कि कितनी धूल मिट्टी आती है। तो इसलिए जो है फ़ैन वगैरह क्लीन कर दी, यहाँ पर बेडशीट में झाड़ कर आ गई थी और इसको अच्छे से मैंने दोबारा से बिछा दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पर अभी मैं मम्मी के रूम में आ गई हूँ क्योंकि यहाँ पर भी फ़ैन क्लीन करा था, तो थोड़ा सा बेडशीट वगैरह मैट्रेस मैंने हटा दिए थे क्योंकि फिर धूल मिट्टी जाता है इस वजह से। ये बेडशीट मम्मी ने इससे एक दिन पहले ही बिछाई थी तो फिर गंदी हो जाती है इस वजह से। तो यहाँ पर मैट्रेस वगैरह मैंने ठीक कर दिए हैं और मम्मी के रूम पर ही यहाँ पर बेड के ऊपर आप देख रहे हो ये आशी का सामान रहता है, कुछ कुछ पेन वगैरह हैंकी पता नहीं क्या क्या वो रखती रहती है यहाँ पर, तो सारा हटाऊंगी मैं। और इसके बाद जो है मम्मी का ड्रेसिंग टेबल है, वहाँ पर ऐसी मैं सामान रख रही थी तो मेरे को शीशा थोड़ा गंदा लगा, तो मैंने कहा चलो मैं को भी क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद मैंने अपने रूम में जाकर अपने ड्रेसिंग टेबल का शीशा भी क्लीन करा क्योंकि शीशा ऐसी चीज़ है ना, बार बार इसमें छींटे वगैरह पता नहीं क्यों दिखते हैं ऐसे छींटे, या पता नहीं बच्चे करते हैं या कभी हाथ के निशान कभी कुछ, और अच्छा नहीं लगता है। क्लीन शीशा देखने में अच्छा लगता है, चेहरा भी अपना अच्छा लगता है उसमें, इसलिए। तो यहाँ पर बस मम्मी का ड्रेसिंग टेबल मैंने एक हाथ मार दिया ऐसे। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं मतलब ज़्यादातर यहाँ पर आशी के पाउडर्स वगैरह ही आप देखोगे क्योंकि आशी को जैसे एलर्जी बीच में हुई थी तो उसके पाउडर हमने 2 से 3 पाउडर ऐसे थे जो हमने चेंज थे, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं तो लास्ट में मैं डॉक्टर को ही दिखाना पड़ा था। तो अभी बिल्कुल ठीक है आशिक के जो भी एलर्जी उसके पैरों में, और उसकी काफ़ी एलर्जी हो गई थी पीछे, मैंने शायद ब्लॉग में बताया नहीं, लेकिन उसके डॉक्टर के पास ले गए थे हम लोग, उसके बाद ही उसकी एलर्जी ठीक हुई थी। तो यहाँ पर अभी जो कपड़े हैं मतलब मैं नहाकर आ गई हूँ और जो कपड़े हैं वो भी धुल चुके हैं, इसमें मैंने आज आशी और सिया के जो हाउस ड्रेस है वो भी मैंने वॉश कर दिया है। धूप काफ़ी अच्छी आई है इस वजह से मैंने इनको ड्राई नहीं किया है, अदरवाइज क्या होता है ना कि अगर जैसे मुझे बादल दिखते हैं ना तो मैं ऐसे मशीन में ड्राई कर देती हूँ तो ये आसानी से सूख जाते हैं और बहुत जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन आज कड़क धूप थी तो फिर मैंने कहा छोड़ो सूख जाएंगे ये। तो बस यहाँ पर जो कपड़े हैं वो भी सुखाने डाल दिए और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी धूप इतनी तेज़ आई है, बहुत अच्छी धूप आई है। मतलब ऐसा हो रहा है कि धूप ना दिन के टाइम काफ़ी अच्छी आ रही है, दिन जैसे 3-4 बज रहे हैं तो बारिश जैसा हो रहा है लेकिन बारिश आ नहीं रही है, लेकिन धूप दिन के टाइम बहुत अच्छी है।
और यहाँ पर ना अभी ये जो भांग है ना इसको मैं धूप में सुखा रही हूँ, क्योंकि एक दिन इस डब्बे में ना मैंने एक दो चींटियाँ देखी थी। पता नहीं इतना टाइट इसका ढक्कन है, लेकिन चींटी पता नहीं कैसे इसमें अंदर चली गई थी। तो फिर मन में वही रहता है कि चींटी देख ली थी, तो आज धूप भी काफ़ी अच्छी थी। वैसे धूप तो 2-3 दिन से काफ़ी अच्छी आ रही है, लेकिन खुद ही हम लोग ध्यान से उतर जाता है हमारे दिमाग से कि क्या क्या चीज़ें वो होते हैं ना, सोचते हैं लेकिन फिर भूल भी जाते हैं, ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पर प्लेट में मैंने सारी भांग निकाल दी है और इसको मैं धूप में रख दूंगी स्टीन के ऊपर, मतलब जो हमारा टैंक है ना उसके ऊपर, क्योंकि बहुत तजावा रहता है इस टाइम पे, और ऊपर से भी धूप पड़ेगी तो अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे रखा, वैसी धूप जो है चली गई थी यहाँ से, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद धूप आ गई थी। और यहाँ पर ना ये वाले फूल इतने अच्छे लगते हैं, मतलब रोज़ मैं इनको देखती हूँ ना, बहुत प्यारे लगते हैं। और इनको मैंने देखा ना, तो इसमें एक छोटा सा ना बीच में ऐसे येलो कलर का फूल भी आ रखा है, बिल्कुल छोटा सा। ऐसा हमारे पास रेड और येलो कलर के भी हैं, ये वाइट कलर का लेकिन बहुत यूनिक लगता है। जब मंडे, लेकिन आज बच्चों की छुट्टी है, जैसे कि आज ईद है तो इसलिए इनकी छुट्टी है, और इनकी ना 4 से 5 दिन की लगातार छुट्टी हुई है, तो बहुत ज़्यादा। तो सियाशी जो है यहाँ पर अपना पढ़ रही है, क्योंकि इनके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो ये थोड़ा सा अपना मैथ्स वगैरह कर रही है, और एक लास्ट इसका चैप्टर रहता है, तो उसके बाद ये रिवाइज़ करेगी अपना, रिविज़न मतलब पूरा का पूरा वो करेगी। और बाहर मैंने अभी जो है ना वो रखा है, क्या बोलते हैं, भांग रखी है, क्योंकि वो थोड़ी सी बची थी, उसमें ना हल्की मुझे चींटी लग रही थी एक, कल मैंने देखा था। तो धूप मैंने कहा आएगी जब तेज़ तब रखूँगी, कल भी तेज़ थी आज भी तेज़ है, लेकिन कभी बादल आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, वही हो रहा है। और सिया जो है नहा रही है, उसके बस हेयर वॉश करके मैं आई हूँ, बाकी नहा रही है वो। और अब मैं बनाने जा रही हूँ लंच, 12 बजे हैं, वैसे तो अभी लंच की तैयारी क्या बोलते हैं टाइम है, लेकिन मैं फिर भी बना देती हूँ आज कुछ अलग से। अलग से तो कुछ नहीं, मतलब जैसे नॉर्मल लंच होता है वही बनाऊँगी, लेकिन एक बहुत ही डिमांड वाली रेसिपी बना रही हूँ, जो मुझे बहुत बार उनका कमेंट आया कि पूजा आप बनाना बनाना, मतलब अपनी मम्मी से बनवाते हुए दिखाना। तो मैंने कहा चलो आज मैं खुद ही बना देती हूँ। तो मैं बनाऊँगी आज तिल वाली जो चटनी होती है ना, आलू खीरा प्याज की जो चटनी होती है, वो मैं आज बनाऊँगी। और स्पेशली सबके लिए है ब्लॉग तो ये वाला, लेकिन उनके लिए स्पेशली, क्योंकि वो बहुत दिनों से बोल रहे थे, फिर मेरे को भी अच्छा ही लग रहा था, तो आज मैं तिल वाली बनाऊँगी। बहुत टेस्ट लगती है वो, लेकिन वो ना दाल जैसे अरहर की दाल हो, इस दाल के साथ बहुत अच्छा लगता है कॉम्बिनेशन, इसलिए मैं आज अरहर मलका की दाल बनाऊँगी तड़के वाली। ठीक है, तो चलिए ये अपना पढ़ाई कर रही है, इसको डिस्टर्ब होगा इसलिए उधर चलते हैं। ये देखो हाय कर दे, सही तो हो रहे। तो पिछली बार मैंने आशी को दिखाया था, किसी ने कमेंट आया था, अरे यार ऐसे मत दिखाओ कि तो क्यूट लग रही है। तो ये आती नहीं है ब्लॉग में ज्यादा, लेकिन कभी कभी मैं दिखा देती हूँ। पता क्या होता है, जब इनकी पुरानी पुरानी वीडियोस देखो ना, इतने क्यूट लगते रहे यार, लगता है सच्ची में ऐसे थे क्या। तो इसलिए ना एक मेमोरीज सी भी होती है कि हम यूट्यूब पे वीडियोस तो डाल रहे हैं, लेकिन कभी देखो तो 2-3 साल पुराना वीडियो देखती हूँ ना मैं, इतने प्यारे लगते हैं ये, इसलिए इनको बोलती हूँ ब्लॉग में जानबूझ के आया करो, ताकि हम आगे जाके जब देखेंगे तुम खुद देखोगे ना, तो मैं इतना खुद अच्छा लगेगा। तो इसलिए आशी को बोलती हूँ थोड़ा ब्लॉग में आया करो, आप लोग भी बोला करो ये ब्लॉग में नहीं आती है। हैं आशी, क्यों नहीं आती है, शर्म आती है, हैं कुछ तो बोल ले, अरे कुछ तो बोल ले। तो यहाँ पे ना मैंने जो दाल है अरहर मलका की, उसको वॉश करके रख दिया है, मतलब मैं उसको चढ़ाने ही जा रही थी तब तक सी आ गई थी, और वो एकदम से आई ना, उसकी टी शर्ट पूरी पीछे से गीली होने लगी थी, क्योंकि उसके हेयर जो है उसने झाड़े नहीं थे, मतलब ऐसी वो टावल लगा के आ गई थी। तो यहाँ पर अच्छे से मैं उसके हबाल जो है वो झाड़ दूंगी। तो पता क्या होता है, ये कितने भी अच्छे से झाड़ू ना, लेकिन जैसे बालों में से पानी टपकता रहता है, फिर जो कपड़े पहने रहते हैं वो सारे गीले हो जाते हैं। अभी गर्मियों में तो फिर भी चल जाता है, लेकिन सर्दियों में इस तरीके से होता है ना, तो फिर कभी कभी हम क्या करते हैं कि जैसे टावल होता है या इनकी टी शर्ट होती है कॉटन की, वो लगा देते हैं, तो कपड़े नहीं गीले होते हैं, ये हो जाता है। तो यहाँ पे इसके बाल मैंने झाड़ दिए अच्छे से, और यहाँ पर अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो जो दाल मैंने वॉश करी थी, इसमें पानी ऐड कर दूंगी, और सारे मसाले टमाटर वगैरह मैं सब इसमें ही ऐड कर दूंगी। और इसके साथ ही मैं इसमें 6 से 7 आलू मैंने बॉयल करने के लिए भी रख दिया था। तो पहले मैंने जिसमें देखा, तो इसमें आलू इतने आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि प्रेशर कुकर ही ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या करा, बाद में इसको मैंने बड़े प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया था, और इसमें ही मैंने इतने ही थे
छः सात आलू जो है मैंने इसमें बॉईल करने के लिए रख दिए थे अच्छे से वॉश करके, क्योंकि फिर होता है मिट्टी वगैरह ना लगे ना, लेकिन मैंने उसे बहुत अच्छे से वॉश करा और उसको दाल के साथ ही वो अच्छे से उबल गए थे, अलग से उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं तो फिर क्या होता है कि टाइम भी लगता है और हो जाता है इसलिए। तो यहाँ पर मैंने अभी तिल ले लिया है, ये तिल बिल्कुल साफ़ है, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था इसमें जितने भी पत्थर थे सारे के सारे वॉश करके हट गए थे, अच्छे से इसे धूप में हमने सुखा भी दिया था, तो इसलिए मेरे दिमाग में ये भी आया कि चलो आज ये बना ही लेते हैं खीरे आलू और प्याज की जो चटनी होती है तिल वाली। तो यहाँ पर अभी क्या है ना, ये जो तिल है इनको अच्छे से मैं रोस्ट कर लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको जलाना नहीं है और बहुत ज़्यादा भी रोस्ट नहीं करना है, अभी मैंने बिल्कुल लो फ्लेम करा हुआ है और यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से जो है ना ऐसे रोस्ट कर लिया है, एक प्लेट में निकाल लिया है, एक साइड मैंने प्याज वगैरह छील लिए थे, यहाँ पर प्याज को जैसे स्लाइस में मैंने कट कर लिया है, खीरा आप देख रहे हो मैं कैसे कट कर रही हूँ, और खीरे के जो ये ऊपर का छिलका होता है ना इसको नहीं हटाना है, नहीं तो खीरा बिल्कुल पितपिता हो जाएगा और बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा खाने में, इसलिए तो आप खीरे की जो शेप है अपने हिसाब से कर सकते हो, प्याज की शेप भी अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 6 से 7-8 मतलब मिर्चें ली हैं, हरी मिर्चें, उनको मैंने बीच में से कट करके रख दिया है, और यहाँ पर अब जो मैंने रोस्ट करा था क्या बोलते हैं तिल, इसको मैंने देखो ऐसे पाउडर बना लिया है, और अगर आपके पास भूरा तिल नहीं हो तो आप इसको सफ़ेद तिल से भी बना सकते हो, और सबसे बेस्ट वैसे बोला जाता है कि ये काले तिल से बहुत टेस्टी बनता है, अगर काले तिल है तो आप ऐसे ही रोस्ट करके उसको भी पाउडर बना सकते हो। यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं हो चुकी हैं, आलू मम्मी ने जो है कट कर दिए थे, बॉयल हुए थे तो छिलके मम्मी ने कट कर दिए थे उसको, और इसमें मैंने अभी जब डाला ना तो ये जो डोंगा है छोटा पड़ गया था तो बड़े बर्तन में निकाल दिया है, इसमें खीरा आलू प्याज ये सारी चीज़ें हैं, और आलू भी बहुत छोटे छोटे नहीं लेने हैं तो ये फिर मिक्स करते हुए टूट जाएंगे, तो ठीक ठीक आलू रखने हैं। उसके बाद जो तिल हमने पाउडर बनाया था वो इसमें ऐड कर देना है, उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, हरी मिर्चें ना तड़के में भी यूज़ कर सकते हैं बट मैंने तड़के में यूज़ नहीं करा था, मुझे ऐसे ही मिर्ची चाहिए थी इस वजह से। और यहाँ पर अब क्या करेंगे ना कि जो सरसों का तेल है ना उसको ले लेंगे गर्म करने के लिए रख देंगे, और एक साइड यहाँ पर अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी, साथ में ही इसमें अभी वो जो चूक होता है ना वो मैं ऐड कर रही हूँ खट्टे के लिए, इसकी जगह जो है नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, ये चूप बहुत खट्टा होता है तो ज़्यादा से भी अच्छा स्वाद नहीं होता, बहुत खट्टा हो जाए तो भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसकी जगह आप नींबू भी ऐड कर सकते हो क्योंकि चूक हर किसी के घर पे नहीं अवेलेबल होता है इस वजह से। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया था, इसमें मैंने हींग और मेथी दाना जो है इसको अच्छे से पकाया, उसके बाद हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड कर दिया है, और इसमें जितना तीखा आप रखोगे ना ये चटनी उतनी ही टेस्टी लगती है, लेकिन मैंने बच्चों को देखते हुए थोड़ा कम ही मिर्ची ऐड करी है। उसके बाद ये तड़का जो है ना इसके ऊपर डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा तेल हल्का सा ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप इसमें हाथ लगाना, मैं ऐसे हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा था ये तो चम्मच से मिक्स नहीं हो पा रहा था, इसलिए तो हल्के हाथ से इसको मिक्स करते रहेंगे, और अगर आपको ये लगे कि थोड़ा सा आपको ड्राई लग रहा है तो आप हल्का सा छींटे से पानी का मार के भी यूज़ कर सकते हो, वैसे तो पानी क्योंकि इसमें नमक है तो अभी जैसे खीरा होता है या जैसे प्याज है अपना पानी जो है छोड़ता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ड्राई लगे तो आप हल्का सा छींटे से पानी का मार सकते हो, और मैंने यहाँ पर टेस्ट करा तो मुझे हल्का सा खट्टा भी और नमक भी इसमें कम लगा, तो मैंने और नमक और खट्टा इसमें ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को ना बहुत अच्छे से मिला लेंगे, और सच में ये चटनी इतनी टेस्टी थी ना, तो मैं उनका नाम भूल गई हूँ जिन्होंने मुझे बोला था कि पूजा आप ये चटनी बताना, और एक बार उन्होंने मुझे कई बार इस चीज़ के लिए व्लॉग में कमेंट करा है, तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप देख रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये रही है तिल वाली, मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है ये देख के, तो ये इतनी टेस्टी थी मैं वो कहता हूँ, पहले मैं किचन में खड़े खड़े होके मैंने इसे इतना ज़्यादा से खा लिया था कि खाना खाते हुए भी मतलब पेट से भरा भरा लग रहा था, बहुत अच्छा बना था ये, बहुत ही टेस्टी, तो आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हो, और जितना तीखा हो सके, अगर आप तीखा बहुत अच्छा खाते हो तो इसमें मिर्ची बहुत डालिएगा तब भी ये चटनी बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर अभी जो आशिया है वो भी आई थी खाने के लिए, मैंने उसको एक बाइट दिया था तो उसके बाद वो दोबारा ही मम्मी बहुत अच्छा हो रहा है एक बार और दे दो, तो उसे दोबारा खाया, उसके साथ मैंने भी टेस्ट करा क्योंकि जितना सामने रह रही है ना उतना खाने का मन करता है, ऐसा होता है। तो बस अभी जो इसको बनाने में जो बर्तन भांडे लगे हैं उन सभी को वॉश करने का टाइम है, तो यहाँ इवनिंग एवरीवन, तो शाम का टाइम हो गया है, दिन से कोई भी ब्लॉग मैंने उसका शूट नहीं करा क्योंकि खाना खा के रेस्ट का टाइम हो जाता है इस वजह से, और यहाँ पर देखो इतने सारे कपड़े हैं,
फोल्ड करने के लिए, तो आप लोग बोलते होंगे पूजा तुम कितने कपड़े फोल्ड करती हो, तो क्योंकि कपड़े ना बहुत ज्यादा हो ही जाते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि डेली कपड़े धुलते हैं इस वजह से कपड़े हो जाते हैं, और फिर इनकी ना इसमें ड्रेस वगैरह भी है, और आज भी इनकी ड्रेस है वो भी मैंने वो करी है, मेरे कपड़े हैं, बच्चों के हैं, तो सबके कपड़े रोज धुलते हैं ना, इसलिए बहुत कपड़े जाते हैं, और फिर मैं रोज रोज फोल्ड नहीं करती हूँ कपड़े, मैं 2-3 दिन में एक बार कपड़े फोल्ड कर देती हूँ, रोज रोज कर दो तो ठीक रहता है, लेकिन कभी ज्यादा होते हैं तो फिर मैं नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर अभी देखो इतने कपड़े हो गए, तो ये तो ड्रेस हटा दूंगी क्योंकि ये प्रेस वगैरह करनी है, इनके स्कूल की है, कल स्कूल जाएंगी इसलिए, तो मैंने कहा चलो कपड़े वगैरह फोल्ड करते हैं, ब्लॉग भी अपना वो करते हैं, उसके बाद मुझे आना है, आशिक उधर पढ़ रही है, उसको थोड़े से कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो देने हैं, और सिया जो यहाँ पे बैठी हुई है ये देखो हाय कर दो सिया, तो सिया यहाँ बैठी है क्योंकि मैंने उसको बोला मेरे साथ बैठ के थोड़े से कपड़े फोल्ड कर ले, क्योंकि ये खाली बैठी है कुछ कर तो रही है नहीं, तो ये कपड़े फोल्ड कर लेगी, और बाहर ना बारिश जैसा हो रहा है, और इस टाइम पे बारिश जैसा रोज हो रहा है, फिर रात को बारिश हो रही है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, लेकिन ठीक है वैसे अभी जाती भी बारिश है, अब तो खैर अक्टूबर लग जाएगा तो फिर बारिश वगैरह बन जाएगी और ठंड का मौसम जो है वो फिर से शुरू हो जाएगा, और मम्मी है ड्राइंग रूम में, मम्मी यहाँ पे सब्जी कट कर रही है, आज हम लोग लौकी बनाएंगे तो मम्मी लौकी की सब्जी कट कर रही है, और शायद मम्मी चढ़ा देंगी, तो अगर मम्मी ने चढ़ाएंगी तो फिर मैं चढ़ा दूंगी, तो तब तक कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, तब फिर अगर देखती हूँ तब तक सब्जी कट गई तो मैं सब्जी चढ़ा दूंगी, नहीं तो शायद तो बस यहाँ पे मैं आशी के पास आ गई थी, उसको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं लेकिन वो बोल रही है मैं थोड़ी देर में याद करूंगी, तब तक यहाँ पर मैं खाली क्या ही करती हूँ, क्योंकि सब्जी मम्मी बना रही है, तो फिर मैंने कहा चलो ड्रेस जो है मैं प्रेस कर देती हूँ, वैसे आपने देखा होगा मम्मी ज़्यादातर ये जो कपड़े हैं प्रेस करती हैं, और कई बार हम बाहर भी दे देते हैं, तो जितनी बार भी मैं बाहर जब देने जाती हूँ ना तो भैया को बोलती हूँ ना कि स्कूल ड्रेस है, तो वो बोलते हैं अच्छा वही खतरनाक वाली ड्रेस, तो एक्चुअली वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इनकी स्कर्ट है ना वो प्रेस करने में थोड़ा सा मशक्कत लगती है, एक्चुअली है तो प्लेट्स वाली लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ा सा है कि इसमें थोड़ा सा पता नहीं कैसे ट्रिकी टाइप का है, वो प्रेस करने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो कभी कभी बीच पे प्रेस वाले भैया को भी देती हूँ मैं, उससे क्या फ़ायदा होता है ना कि वो क्रीस अच्छे से बिठा देते हैं, तो हम लोगों को फिर प्रेस करने में बहुत सहूलियत हो जाती है, तो बीच बीच में हर हफ्ते तो मैं नहीं देती हूँ लेकिन 15-20 दिन में एक बार इनकी ड्रेस दे देती हूँ ताकि इसकी क्रीज अच्छे से बनी रहे और हम लोगों को घर में प्रेस करने में दिक्कत ना हो, तो यहाँ पर शर्ट और ये जो स्कर्ट है मेन यही होती है इन दोनों की प्रेस करने के लिए, हाउस ड्रेस तो इनकी प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इनकी जो स्कर्ट है ना उसमें प्रेस करने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन क्या करें प्रेस तो करना ही है, तो बस यहाँ पे मैं वही प्रेस कर रही हूँ, और अपने इस व्लॉग को ना आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलूंगी न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।